गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटा हम पता है कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको डायपोल में मैंने लास्ट क्लास में आपको टॉर्क पढ़ाया था, याद है? टॉर्क के बारे में क्या बताया था कि मान लो कहीं पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कोई डायपोल ला कर रख दो. डायपोल जानते हो ना, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डायपोल का क्या है, डायपोल मोमेंट है. और वो मान लो कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है. तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जब ये आप डायपोल को लाकर एक्सटर्नल फील्ड में रख दोगे तो ये वाला चार्ज भी फोर्स फील करेगा. क्या फोर्स फील करेगा बेटा, जानते हो? Q into E. ये वाला चार्ज भी फोर्स फील करेगा. ये भी जानते हो क्या फोर्स फील करेगा? Q into E. तो इससे क्या होगा, ये डायपोल में रोटेशन आ जाएगा और रोटेशन आने के बाद ये टॉर्क फील करेगा. और जो टॉर्क का फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था वो फॉर्मूला था PE साइन थीटा. PE साइन थीटा याद करो, इसमें P डायपोल मोमेंट, E एक्सटर्नल फील्ड और थीटा एंगल होता था डायपोल और फील्ड के बीच. फिर आप याद करो, जैसे जैसे ये रोटेट करेगा, क्यों रोटेट करेगा, क्योंकि दोनों एंड पे फोर्स लग रहा है और इसको रोटेट करा रहा है, तो टॉर्क आ गया. फिर हमने क्या पढ़ाया था, ये जो थीटा होता है वो वेरिएबल होता है. जब थीटा वेरिएबल होगा तो ऑब्वियसली बात है ये जो टॉर्क है वो भी वेरिएबल होगा. ये सब चीजें मैंने बताई थी. अब आज की क्लास में जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो ध्यान से देखना. टॉपिक क्या, बेसिकली आज की क्लास में जो टॉपिक है वो ये है बेटा, सुनो ध्यान से. टॉपिक ये है वर्क डन टू रोटेट डायपोल. वर्क डन टू रोटेट डायपोल, डायपोल को रोटेट करने में क्या वर्क डन करना पड़ेगा वो बताना है. क्योंकि जब डायपोल रोटेट करेगा तो एंगल चेंज होगा. एंगल चेंज होगा तो ऑब्वियसली बात है कोई भी चीज जब घूमती है, चलती है, मोशन में होती है तो वर्क डन तो होता ही होता है. वही वर्क डन पता करना है कि आखिर मान लो डायपोल रोटेट कर गया, क्या रोटेट कर गया, थीटा एंगल से थीटा टू. मान लो लेट डायपोल रोटेट फ्रॉम एंगल थीटा वन टू एंगल थीटा टू. थीटा वन से थीटा टू एंगल रोटेट कर गया तो आपने बताना है क्या वर्क डन करना पड़ा. तो आपको मैं एक बात बता दूं, सुनो, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और वर्क डन का फॉर्मूला होता है ये भी होता है, ये कब यूज करते हैं, जब फोर्स कांस्टेंट हो. और ये कब यूज करते हैं, जब फोर्स वेरिएबल हो. दोनों फॉर्मूला वर्क डन का होता है, याद रख. बोलोगे कब कौन सा यूज करते हैं, ये वाला कब यूज करते हैं जब फोर्स कांस्टेंट है, और ये वाला कब यूज करते हैं जब फोर्स वेरिएबल है. और कब यूज करते हैं आपको पता है, ये सब कब होता है, लीनियर मोशन में. जो आप देख रहे हो ना ये लीनियर मोशन में होता है, जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ना, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये तब होता है वर्क डन का जब आप लीनियर मोशन में होते हो. कौन से मोशन में, इन लीनियर मोशन. लीनियर का मतलब समझदार हो आप, समझ रहे हो, लीनियर का मतलब जब आप स्ट्रेट लाइन में चलते हो उसे कहते हैं लीनियर मोशन, तब ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है. लेकिन जब आप रोटेशन में होते हो, अब आप सुनो ध्यान से जो मैं पढ़ा रहा हूं, जब आप रोटेशन में होते हो, जब कोई चीज रोटेट करती है, ये सब 11th में पढ़ना था, मैं डिस्कस कर रहा हूं, बेसिक क्लियर कर रहा हूं. जब आप रोटेशन में होते हो तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला है टॉर्क इंटू थीटा. टॉर्क इंटू थीटा, फोर्स को रिप्लेस करके टॉर्क और इसको रिप्लेस करके थीटा आ जाता है. ये कब होता है बेटा, जब टॉर्क कॉन्स्टेंट होता है. और दूसरा फॉर्मूला वर्क डन का होता है टॉर्क को इंटीग्रेट कर दो थीटा के रेस्पेक्ट, थीटा वन से थीटा टू. बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने किया था, यहां डिस्प्लेसमेंट की यूनिट रखेंगे एस वन से एस टू, फोर्स को रिप्लेस करके टॉर्क, और रोटेशन में डिस्प्लेसमेंट होता है एंगल थीटा. ये थीटा वन से ये कब इस्तेमाल करते हैं, ये कॉन्सेप्ट कब इस्तेमाल करते हैं बेटा, जब टॉर्क वेरिएबल. दोनों फॉर्मूला वर्क डन का होता है, ये कब, जब टॉर्क कांस्टेंट हो, ये कब, जब टॉर्क वेरिएबल हो. बोथ आर द फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन इन रोटेशन. अब जब फॉर्मूला क्लियर हो गया कि ये फॉर्मूला रोटेशन में चलता है, फिजिक्स में जब कोई चीज रोटेट करती है तो वर्क डन का ये दोनों फॉर्मूला, जब लीनियर मोशन में है तो वर्क डन का ये दोनों फॉर्मूला, ये कब जब फोर्स कांस्टेंट, ये कब जब फोर्स वेरिएबल, ये कब जब टॉर्क कांस्टेंट, ये कब जब टॉर्क वेरिएबल. तो यहां पे क्या है, टॉर्क वेरिएबल है.
यहाँ पे तो टॉर्क वेरिएबल है, तो यहाँ पे जब डायपोल रोटेट करेगा तो वर्क डन किससे निकलेगा, इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा। अभी तो फॉर्मूला डिसाइड हुआ कि कौन से फॉर्मूले से निकलेगा, तो बोलोगे इस फॉर्मूले से निकलेगा जो आपने यहाँ लिखा है, तो इस फॉर्मूले को अब हम यूज करने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करें। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे अगर डायपोल रोटेट कर रहा है बेटा, टॉर्क को थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है जरा जवाब देना, पीई साइन थीटा, कहां से कहां तक, थीटा वन से थीटा टू। फिर पी कांस्टेंट, डायपोल मोमेंट तो फिक्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स होता है, बाहर आ गया पी और ई, बाहर आ गया बेटा, किसका इंटीग्रेशन हो गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू, फिनिश। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो इसको लिख दोगे पीई और ये हो गया माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू, फिनिश। अब बताओ वर्क डन का क्या आ गया बेटा, ये माइनस को बाहर ला दो, ये हो गया कॉस थीटा फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू, फिर थीटा की अपर लिमिट रख दो, ये हो गया बेटा पीई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। यहां पे माइनस साइन, यहाँ पे मैंने माइनस को अंदर लेके गया, तो जो मैं अभी अभी नहीं सॉरी अभी अंदर लेके नहीं गया, अभी तो माइनस लगा हुआ है, अभी माइनस अंदर नहीं, ठीक है अभी हो गया माइनस पी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब मैं माइनस को अंदर लेके जा रहा हूं, तो अंदर लेके जाऊंगा इस माइनस को, तो ये वाला माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया पीई कॉस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन, ये फॉर्मूला है किसका, वर्क डन का, जब डायपोल एक एंगल थीटा वन से थीटा टू तक रोटेट करेगा, जब डायपोल फील्ड में रोटेट करेगा तो जो एंगल लगातार चेंज होगी, तो मान लो डायपोल थीटा वन से रोटेट करके थीटा टू एंगल पे आ गया, किसके साथ ये थीटा होता है, आप मेरे को बार बार बताऊं थीटा किसके साथ होता है, देखो डायग्राम, डायपोल और फील्ड के साथ, जब ये रोटेट करेगा तो ये थीटा मान लो चेंज हो गया, चेंज होकर कहां से कहां चला आया, थीटा वन से थीटा टू, तो ये फॉर्मूला है वर्क डन टू रोटेट द डायपोल। अब किसी ने कहा इसी में कि भाई एक बात बताओ, मान लो डायपोल स्टेबल पोजीशन में था, स्टेबल स्टेबल तो थीटा वन जीरो, पहले वो डायपोल स्टेबल पोजिशन में था, फिर वो डायपोल अनस्टेबल पोजिशन में चला गया, का मतलब कितने पे चला गया बेटा 180 डिग्री, मैंने आपको पढ़ा रखा था याद करो, स्टेबल पोजीशन का मतलब होता है 0 डिग्री और अनस्टेबल पोजीशन का मतलब होता है 180 डिग्री। तो उसने क्या बोला कि मान लो डायपोल स्टेबल से अनस्टेबल पोजीशन चला गया, तो क्या वर्क डन करना पड़ा, कुछ नहीं करेंगे बेटा, वर्क डन इज इक्वल टू पी पहले स्टेबल पोजीशन में कॉस 0 माइनस अनस्टेबल पोजीशन में कॉस 180, cos 0 1 हो गया, cos 180 माइनस 1 हो गया, आप देख लो ये आ जाएगा, देखते रहो बेटा, cos 0 हो गया 1, cos 180 हो गया माइनस 1, तो 1 माइनस माइनस मिलके प्लस, ये बन गया वर्क डन 2PE। अब हो सकता है डायपोल मोमेंट की वैल्यू दे दे, फील्ड की एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू दे दे, रख देना खत्म, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। ये आपने जो देखा दैट वॉज द वर्क डन टू रोटेट द डायपोल। अब यहां पे एक टॉपिक है डायपोल से रिलेटेड, इस टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉपिक का नाम है बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, की डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, ये भी एक टॉपिक आता है, ध्यान से सुनो। एक बात मैं आपको बता दूं, काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो सिर्फ वेलोसिटी से आती है, सिर्फ वेलोसिटी से और किसी चीज से नहीं, बट पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ध्यान से समझना, बट पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कई रीजन से आती है, हाइट शेप साइज कॉन्फिगरेशन पोजीशन बदल रहा है उसकी वजह से। तो यहां पर भी डायपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो टॉर्क फील करता है, टॉर्क फील करने के कारण वो रोटेट करता है, तो रोटेशन जब होगा तो डायपोल और फील्ड के साथ जो हम एंगल लेते थे आपने देखा वो लगातार चेंज होगा। तो क्या कहा गया इसमें, टू फाइंड टू गेट पोटेंशियल एनर्जी, किसकी पोटेंशियल एनर्जी बेटा, डायपोल की। देखो मान लो हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है किसकी, डायपोल की, डायपोल एट एनी
पोजीशन, किसी भी पोजीशन थीटा, मान लो आपको एक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है किसी भी एक पोजीशन थीटा पे। थीटा क्या है? पोजीशन है, पोजीशन समझ रहे हो ना, एंगल है किसके साथ। फिर वही डायग्राम बना देता हूं मैं, बार बार बना देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल है ना, ये डायपोल, ये डायपोल मोमेंट, ये एंगल थीटा। ओके, इस पोजीशन में डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी पता करनी। तो आपको एक बात पता है, कभी भी एनर्जी जब पढ़ा जाता है फर्स्ट टाइम तो वो वर्क डन के थ्रू पढ़ा जाता है, बिकॉज एनर्जी कभी भी हम पढ़ेंगे, स्टडी अबाउट द एनर्जी हम वर्क डन के थ्रू पढ़ेंगे। तो क्या कहा गया कि मान लो आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है डायपोल की एट एनी पोजीशन थीटा, तो इसको कैसे निकाला जाता है? इसको निकाला जाता है फाइंड थ्रू वर्क डन, फाइंड थ्रू वर्क, वर्क के थ्रू निकाला जाता है। कैसा वर्क? कैसा वर्क? अब सुनो, कैसा वर्क? टू रोटेट टू रोटेट डायपोल। कैसा वर्क डन? जो डायपोल को रोटेट करने में करना पड़ता है, कहां से? फ्रॉम, ये ध्यान से सुनना, 90 डिग्री पोजीशन। 90 डिग्री पोजीशन का मतलब ये हो गया कि जब डायपोल और ये डायपोल, ये ऐसे था, देख लो डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव, जब डायपोल ऐसे था, ऐसे 90 डिग्री पोजीशन, जो बटन करना पड़ता है डायपोल को रोटेट कराने के लिए, कहां से? 90 डिग्री पोजीशन, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, 90 डिग्री पोजीशन से टू दैट एंगल थीटा, उस एंगल तक, उस एंगल थीटा तक, इस एंगल थीटा तक जिस एंगल पे आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली, बस वही वर्क डन बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, और कुछ नहीं है पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या फॉर्मूला था वर्क डन का बताओ जरा, अभी पढ़ाया था मैंने, पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, वर्क डन इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा वन, थीटा वन कितना? 90 डिग्री। कहां पहुंचना है? थीटा एंगल पे, कॉस थीटा 90 डिग्री से उस थीटा पे पहुंच जाओ, वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है, कॉस 90 जीरो, ये हो गया माइनस, तो वर्क डन आ गया माइनस पी ई कॉस थीटा, और यही वर्क डन बन जाएगा इस थीटा एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी, याद रखना। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया डायपोल का माइनस पीई कॉस थीटा, यस, जिस एंगल पे पूछे ये फॉर्मूला यूज कर लेना। और आया कैसे? वर्क डन के थ्रू आया। अब वेक्टर फॉर्म में लिखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पी डॉट ई, क्योंकि आपको पता है ना, दो वेक्टर अगर है और फॉर्मूले में कॉस आ रहा है तो आपको पता है ना बेटा वो क्रॉस में बदलता है, सॉरी डॉट में बदलता है, फॉर्मूले में साइन आता दो वेक्टर होता तो क्रॉस में बदलता। तो ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट एंड एक्सटर्नल फील्ड, या पूरा फॉर्मूला लिखना है तो माइनस पी कॉस थीटा, दिस इज द टॉपिक ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। ध्यान से पढ़ो बेटा, सब कुछ पेपर में आता है। अब जैसे कि एग्जांपल करा देता हूं, एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक अच्छा सवाल है, नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वेरिएबल है अलोंग जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, मतलब चेंज कर रहा है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज है वो जेड एक्सिस के अलोंग गिवन है 10 न्यूटन पर किलोमीटर, दिस इज द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, कॉन्स्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, और अलोंग द जेड एक्सिस जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं तो इस रेट से चेंज हो रहा है। यूनिट मिलाओ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम और डिस्टेंस का मीटर, इस रेट से इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। और वहां पर एक लाकर डायपोल रख दिया जिसका डायपोल मोमेंट है 5 कूलम मीटर, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, वो लिखा है उसने निगेटिव जेड एक्सिस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जहां रखा वो वेरिएबल है, डायपोल को लेकर आए इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो फील करेगा ही करेगा, उससे क्या होता है फील, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो या वेरिएबल है उससे क्या फर्क पड़ता है, टॉर्क तो फील करेगा। सबसे पहले पूछा है फाइंड टॉर्क, टॉर्क क्या होगा? टॉर्क, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई, ई के जगह पे आप डी ई लेंगे, क्यों? क्योंकि फील वेरिएबल है। साइन थीटा, थीटा लेंगे 180 बेटा, क्योंकि टॉर्क में जब पी और ई के बीच एंगल लेते हैं तो यहाँ पे 180 इसलिए हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस है
और डायपोल की मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव जेड एक्सिस में है, प्लस जेड माइनस जेड उल्टा हो जाए दो एक्सिस अपोजिट, एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड 180 टैन 180 जीरो, तो टॉर्क हो गया जीरो। फिर पूछा है फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज ऑफ डायपोल। आपको पता है कि डायपोल में दो चार्जेस होते हैं, एक प्लस क्यू होता है और एक माइनस क्यू होता है। तो ये पूछा है कि डायपोल का चार्ज कितना फोर्स फील करेगा, फोर्स पूछा है चार्ज का, तो फोर्स कितना फील करता है कोई भी चार्ज किसी भी फील्ड में जाकर, क्यू इंटू ई, तो क्यू इंटू डी ई, डी ई से परेशान नहीं होना, वेरिएबल इसलिए डी ले रहा हूं मैं। अब ब्रेन लगाओ, ना तो मुझे यहाँ पे क्यू पता है, ना तो मुझे यहाँ पे फील्ड वेरिएबल पता है, मुझे डाटा किसी और चीज का पता है और फोर्स के लिए सब चाहिए। तो थोड़ा सा ब्रेन लगा दो, इसी को, इसी इक्वेशन को जो आपको बनाया है ऊपर नीचे डीजेड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे डीजेड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। इससे क्या फायदा होगा बता देता हूं मैं, क्यू इंटू डीजेड है ऊपर नीचे डीजेड से मल्टीप्लाई डिवाइड, इससे फायदा क्या हुआ क्यू इंटू डीजेड और ये डीई बाई डीजेड, क्यू इंटू डीजेड क्या बन गया पी बन गया, डायपोल मोमेंट बन गया, चार्ज इंटू डिस्टेंस, और डीई बाई डीजेड वैसे ही लिख दो। इससे ये फायदा हुआ कि आपको पी भी पता है 5, आपको डीई बाई डीजेड भी पता है 10, आंसर आ गया 50 न्यूटन इज द फोर्स। फोर्स तो जो चार्ज फील करता है वो क्यू इंटू ई होता है, बट यहां पे ना मुझे क्यू पता ना मुझे डीई पता, तो मैंने अपनी मर्जी से डीजेड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, उससे क्या हुआ चार्ज इनटू डिस्टेंस डायपोल मोमेंट, और डीई बाय डीजेड पता ही है, यही फोर्स ऐसे निकल जाए। तो बेटा हमने आज की क्लास में डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी, डायपोल को रोटेट कराने में वर्क डन, ये सब चीज डिस्कस किया। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लाइक करना, आप लोग लाइक नहीं करते, आपसे सिर्फ लाइक करने की डिमांड करता हूं मैं। अच्छा लगे तो लाइक करो और आगे भी शेयर करते रहो, सभी बच्चों के पास पहुंचना चाहिए ताकि सभी को फायदा हो सके। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ बेटा, तब तक टेक केयर, बाय बाय।